अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में ओबामा हेल्थ केयर को बंद करने के विरोध में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने पेंसिल्वेनिया से रिपब्लिकन सेनेटर पैट्रिक टूमी के दफ्तर पर जाकर नारेबाजी भी की, हालांकि बाद में पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों को हटा दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखे गए एक लेख से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काफी नाखुश हैं। लेख के खिलाफ ट्रंप ने ट्वीट कर न्यूयॉर्क टाइम्स को फेक न्यूज मीडिया करार दिया है। अपने लेख में न्यूयॉर्क टाइम्स ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रपति चुनावों के वक्त ट्रंप के एक सहयोगी को यूक्रेन की एक राजनीतिक दल की तरफ से $17 मिलियन दिए गए थे। इस पार्टी का संबंध रूस से बताया जा रहा है। जर्मनी की संसद ने गे मैरिज बिल को पास करने की दिशा में अहम कदम उठाया है। संसद की लीगल कमेटी ने इस बिल पर वोट डालने का रास्ता साफ कर दिया है। हैरान करने वाली बात यह रही कि पहले इस बिल का विरोध कर रही जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल भी अब इसका समर्थन कर रही हैं। अब संसद में इस बिल को पास करने के लिए वोटिंग होना बाकी है। इटली के समुद्र से 700 से ज्यादा शरणार्थियों को रेस्क्यू किया गया है। इटली की नेवी ने रबर की बोट पर सवार इन शरणार्थियों को बचाया है। ज्यादातर शरणार्थी सोमालिया के बताए जा रहे हैं। नेवी को एक बच्चे का शव भी मिला है। इन शरणार्थियों को इटली के सिसली लाया गया है। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला की संसद के बाहर धमाका हुआ है। धमाके के बाद सुरक्षा बलों ने संसद में मौजूद सांसदों को कई घंटों तक रोके रखा है। इन नेताओं ने सरकार पर जानबूझकर उनको नजरबंद करने का आरोप लगाया है। पिछले दो महीनों से वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलस मुद्रे को हटाने को लेकर हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सीरिया की राजधानी दमिश्क और इसके आसपास के इलाकों में सरकारी सेनाओं और विद्रोहियों के बीच जोरदार लड़ाई हो रही है। इस लड़ाई में भारी हथियारों समेत टैंकों और रॉकेटों का इस्तेमाल किया जा रहा है। राष्ट्रपति असद के फाइटर जेट्स लगातार विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों में बमबारी कर रहे हैं। विद्रोहियों पर सरकारी सेनाओं का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। सीरिया के रक्का पर दोबारा से कब्जे को लेकर आतंकी संगठन आईएसआईएस ने हमले तेज कर दिए हैं। रक्का के ज्यादातर हिस्सों पर अब अमेरिका समर्थित सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस का कब्जा है। बताया जा रहा है कि आईएसआईएस के आतंकी कार और मोटरसाइकिल बमों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि इन हमलों को नाकाम कर दिया गया है। रूस ने बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। रूस के पूर्वी हिस्से में यह परीक्षण किया गया है। इस मिसाइल को एक परमाणु पनडुब्बी से छोड़ा गया था जो अपने मिशन में कामयाब रही। 36.8 टन वजनी इस मिसाइल की मार 8000 किलोमीटर तक है। चीन की नेवी में नए जनरेशन के एडवांस डिस्ट्रॉयर शिप को शामिल किया गया है। शंघाई में 10000 टन के वजनी इस शिप को नेवी में कमीशन किया गया। हालांकि अभी इस शिप के कई टेस्ट होने बाकी हैं। अमेरिका के एरिजोना के जंगलों में लगी भीषण आग पर अब तक काबू नहीं पाया गया है। कई एकड़ में फैली इस आग पर काबू पाने के लिए सैकड़ों फायर फाइटर्स लगातार जूझ रहे हैं। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक तेज हवाओं से यह आग लगातार फैलती जा रही है। एहतियातन आसपास के रिहायशी इलाकों से लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया है।